नरफात कासमानी और आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज़। इस वक्त हम बैठे हैं अब्दुल करीम कुरैशी के साथ में, वही रिक्शा चालक जिन्होंने दो दिन पहले अपनी बीवी को गवाया है, अपनी बच्चों की माँ को गवाया है। इनका दर्द तो हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे से जितना हो सक रहा है हम वो कर रहे हैं। दो दिन बाद हम इनसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि दो दिन से इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बहुत स्ट्रेस ले लिया था, बहुत टेंशन ले लिया था। हम सोच सकते हैं कोई भी लेगा कि एक जवान औरत, एक जवान बीवी जो है कि अपने आदमी को, अपने बच्चों को छोड़कर चली गई, किसकी गलती थी, क्या गलती थी, ये हम सबको पता है। आज हम अब्दुल करीम से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। वो मुमरा की जनता से, मुमरा के नेताओं से, मुमरा की पुलिस से कुछ अपील करना चाहते हैं। हाल ही में दो दिन में काफ़ी नेताओं ने इनके घर का दौरा किया, काफ़ी जो है इनसे मुलाकात की, ये उनसे भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं अब्दुल करीम जी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद करीम कुरैशी है। मैंने मेरी वाइफ को थाने महानगर पालिका के हॉस्पिटल में लेकर गया था। वहाँ पर उसको पहली डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, दूसरी डिलीवरी भी नॉर्मल ही थी, तो वहाँ पे लेकर गया। रात भर उसको पेन हो रहा था, सुबह में लेकर जाके इन लोगों ने बोले कि 6 बजे बोले ले तुम्हारी को बच्चे की डिलीवरी होगी। 6 बजे के करीब में इन लोगों ने दूसरे वार्ड में लेकर गए। मैं बाहर गया कुछ काम के वजह से आधे घंटे में मेरे बच्चे का फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए। रिटर्न आके देखता हूँ तो मेरी बहन का फ़ोन आया, मेरी वाइफ को लेके इन लोग स्ट्रेचर पे अच्छी खासी, 1 घंटा पहले मैंने उसे अपने हाथों से चाय बिस्किट खिलाया था जब इन लोगों ने उसको डिलीवरी वार्ड में लेकर गए थे। और उसके बाद में जब लेकर जाने के बाद में आधे घंटे के बाद में लोग स्ट्रेचर के ऊपर लेकर आ गए गेट के ऊपर। मेरी बीवी पूरी माथा उसका हरा हो गया था, चेहरा लाल हो गया था मेरी वाइफ का। मैं बोला क्या हुआ, तो बोलते इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। बोले ले इसको कलवा लेके जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ बोले कलवा में बोले लेके जाते जाते लेट हो जाएगा आपको, बोले आप बोले इसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ। मतलब आप बताओ मैं कहाँ लेके जाऊँ, तो ये लोग बोलते आइकॉन में लेके जाओ। मतलब ठीक है आप जहाँ बोले, लेकिन बोले आप अफोर्ड करोगे, मतलब मैं अपने आप को बेच के मतलब उसको उसके लिए इलाज कराऊंगा। तो बोले ठीक है जाओ। वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी थी वो, लेकिन उनका एम्बुलेंस वाला मौजूद नहीं। मेरी वाइफ स्ट्रेचर के ऊपर जिंदगी और मौत से लड़ रही। मैं बोला एम्बुलेंस, हमारा एम्बुलेंस वाला नहीं है। बोले दो एम्बुलेंस वाले हैं लेकिन फ़ोन लगा रहे, बोले उठा रहे नहीं है। मैं बाहर जाके रोड के ऊपर लोगों के हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, मतलब भाई किसी को गाड़ी चलाने आती है 4-व्हीलर तो मतलब मेरी वाइफ को लेके चलो। कोई नहीं बोला, किसी को भी नहीं आती थी। आधे घंटे के बाद में आके वो सिस्टर वो आया के मैंने पैर पड़ा, तो उसके बाद में आधे घंटे बाद उनका ड्राइवर आता है और फिर वो मेरी वाइफ को एम्बुलेंस में डाल के लेके जाते। और वो लेके जाने के बाद में आइकॉन वाला देखते के साथ में उसने हाथ हटा दिया के बोला कि बोले ये केस बोले मैं नहीं लूँगा। बुरहानी में लेकर गए वहाँ से, बुरहानी वाला बोलता है कि मेरे पास में 2 ही वेंटिलेटर है, दोनों पे पेशेंट है, आप जाके देख लो। बोले नहीं हो सकेगा, बोले ले आप बोले ले इसे बोले ले दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। मैं कहाँ लेके जाओ, तो उसने GHC खालसेकर में जो हॉस्पिटल है उसका बताया, तो वहाँ लेकर गया। वहाँ पे जाने के आधे पौने घंटे के बाद में उन लोगों ने मेरी बीवी को बचाने की कोशिश की, लेकिन आधे पौने घंटे के बाद में उसका इंतकाल हो गया। मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, मेरी 3 से 4 साल की बच्ची है, कहां से लाके दूं। रात भर मेरी बच्ची पूछ रही थी मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, मैं कहां से लाके दूं उसको। माँ मेरा कलेजा फटे जा रहा है। मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है, मेरी एक माँ है हार्ट पेशेंट है, मेरा एक भाई है, मैं हूँ और मेरी वाइफ और मेरा एक बच्चा है। इन लोगों ने मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ दिए। आज ये लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, मैं मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बस मैं इतना ही बोलूँगा ना कि अब मुझे कुछ नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए। इन लोगों ने मेरी बीवी का की जान ले ली है। मैंने हंसती खेलती बीवी लेकर गया था और इन लोगों ने मुर्दा मेरे हाथ में दे दिए। बस मुझे मेरी बीवी का इंसाफ चाहिए जो लोगों ने उसके साथ में किए, क्योंकि वहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद नहीं था, खाली नर्स और आया ने मेरी बीवी की डिलीवरी करी है। जब आपके पास में डॉक्टर ही नहीं था तो आपने क्यों मेरी वाइफ को हॉस्पिटल में रखे। बोल दिए होते कि भाई यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, अगर आपको कराना है तो कराओ, नहीं तो फिर वो आपका रिस्क है। तो मैं उस समय कराता था कि नहीं कराता था, मैं आपसे तो मैंने पूछा था, मेरी वाइफ से इंक्वायरी भी कराया था कि रात बिरात अगर यहाँ पर कुछ हो गई डिलीवरी तो क्या होगा। तो बोले ले नहीं, बोले ले रहते डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम था कि इधर पर सिर्फ आया और नर्स है, डॉक्टर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और जब ऐसा होता है तो लोग सीधा भगा देते कलवा, मुझे तो कलवा भी नहीं भगाए, ये लोगों ने तो मेरे हाथ में दे दिए मेरे वाइफ की बॉडी। बोले ले लेके घूमते रहो। मेरी वाइफ 1 घंटा पहले उससे मैंने उसको खिलाया, जब हॉस्पिटल लेके जा रहा था ना वो स्ट्रेचर को उसने बहुत ताकत से पकड़ के रखी थी,
उसको जीने की चाह थी, उसको मालूम थी मेरी छोटी बच्ची घर पर मेरा इंतजार कर रही है, वो चाहती थी कि मैं जाऊँ उसके पास में, और वो मेरे को एक ही बात बोल रही थी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं बोला नहीं मरेगी, मतलब अपनी मरियम में घर पे तेरे को जाना है उसके पास में, जैसे कि आइकॉन बुरहानी, फिर वहां से खालसे कर, तीन तीन जगह जा तक उसने अपने आप को संभाल के रखी। उसके बाद में कहीं जाके आधे पौने घंटे के बाद में इंतकाल हो गया उसका। अगर ये चीज उसको पहले मिल गई होती ट्रीटमेंट, तो आज मेरी बीबी मेरे साथ में होती, मेरे बच्चे के सर से उसकी मां नहीं गई होती। अभी आप क्या अपील करना चाहते हो, मतलब मुमरा की आवाम से? मैं बस मुमरा की आवाम से भाई यही अपील करना चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। इन नेताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि मुझे इनके ऊपर FIR चाहिए। मैं यहाँ के जो सीनियर पुलिस वाले उनसे ये चाहता हूँ, मुझे उनके ऊपर भरोसा है, मुझे इंसाफ चाहिए। और दूसरी बात, जब इनके हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं थी, वो बंटी भाई की एम्बुलेंस मेरे चाचा ने लेकर आया था, दो दिन तक उसकी एम्बुलेंस हमारे पास थी, उसी में ही लेकर मेरी वाइफ को घूमे। बस मुझे इंसाफ दिलाओ आप लोग, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे इंसाफ दिलाओ मेरी वाइफ। तो ये हमने अभी बात की अब्दुल करीम कुरैशी से, इनका क्या कहना है, इन्होंने साफ साफ अपने अल्फाज में कह दिया। इनका ये भी कहना है कि बहुत से लोग इनको पैसे रुपयों का जो है कि ऑफर दे रहे हैं और जो है कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका सिर्फ एक ही कहना है, एक ही मांग है, इनको सिर्फ इंसाफ चाहिए और जो गुनहगार इसमें शामिल थे उनको सजा मिलनी चाहिए।